हाय हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है स्नैपचैट के ऊपर। अगर हम किसी यूजर को ब्लॉक कर देते हैं तो उनको अनब्लॉक कैसे किया जाता है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्नैपचैट के ऊपर जब भी हम किसी लोगों से बातें करते हैं तो उनके बात करने के बाद में अगर हमारे कभी झगड़ा हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो हम उस यूजर को जल्दीबाजी के अंदर ब्लॉक करके हटा देते हैं, तो उसका हमको बाद में अफसोस होता है कि हम उस लोग को गलत ब्लॉक कर दिए हैं। तो उनको वापस आप अनब्लॉक करने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन आप उनको अनब्लॉक नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको इसका पता नहीं होता है। तो हम इसकी सारी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो बताने से पहले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन को ओपन करना होगा। ओपन कर लेने के बाद में आपको अपना स्नैपचैट ऐप ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद में अगर आपको पहले हम बताएंगे कि अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हो। कोई अगर आपको ज़्यादा कुछ परेशान करता है तो आप उसको आसानी से ब्लॉक कर सकते हो, तो वो आप आपको बताएंगे कि ब्लॉक कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम आज MR कमल वर्मा को ब्लॉक करने वाले हैं, तो इसको ब्लॉक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से इनको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोने में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपको मैनेज फ्रेंड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद में आप इसको आसानी से ब्लॉक कर सकते हो। तो इसको यहाँ से हम ब्लॉक कर देते हैं। अगर ब्लॉक हो गया तो देखिए यहाँ से वो चला गया है, क्योंकि उनको हमने ब्लॉक कर दिया है, तो वो अब यहाँ पे कभी भी मैसेज हमारे को नहीं कर सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि उनको वापस अनब्लॉक कैसे करें, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको देखना है कि ब्लॉक्ड यूजर कहाँ लिखा हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ब्लॉक्ड यूजर ये रहा। तो यहाँ से हम कमल वर्मा को यहाँ से अनब्लॉक करने वाले हैं, तो हम यहाँ से जिसको भी आप अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्रॉस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से यस करोगे। तो यहाँ से देखिए सिंपल से वो अनब्लॉक हो चुके हैं और वहाँ पर चले गए हैं। तो अब वो हमको आराम से मैसेज वापस से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उनका नाम सर्च करता हूँ, कमल, एक मिनट, कमल वर्मा। तो आपके सामने ये देख के उनका रिक्वेस्ट बता रहा है अभी, क्योंकि हमने उनको ब्लॉक कर दिया था तो इसलिए यहाँ से उनका रिक्वेस्ट चला गया था। अब वापस से उनकी यहाँ पे फाइल दिखाने लगी है, तो हम उनको वापस से मैसेज कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने किसी भी यूजर को आप अनब्लॉक करके ब्लॉक भी कर सकते हो और उनसे अच्छे से आप बात भी कर सकते हो। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे वापस मिस्टर कमल वर्मा की आईडी दिखाई दे रही है, जिसको हमने ब्लॉक भी किया था और अनब्लॉक करके भी आपको दिखा दिया है। तो आशा करूँगा ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Thank you.